ओ हेलो यूट्यूब, कैसे हैं आप? मैं अनुराग वर्मा करता हूँ आपका स्वागत आपके अपने चैनल माय बिग अप्रिल में। आज हो गया है 12 अप्रैल 2022 और दिन हो गया है सोमवार का। एक नया हफ्ता हो चुका है शुरू और इस नए हफ्ते की शुरुआत कर रहे हैं हम अपने इस ब्लॉग के साथ जो थोड़ा सा लेट शुरू हुआ है। क्यों हुआ है ये लेट शुरू ब्लॉग? बिकॉज आजकल क्या हो रहा है, पिछले 3 दिन से लगभग सैटरडे से मैं बहुत लेट तक सो रहा हूँ, क्योंकि पिछले कुछ वीडियोस में मैंने देखा कि मेरी आंखें थोड़ी थकी थकी सी लग रही थी, क्योंकि मैं सो नहीं पा रहा था। इनफैक्ट पिछले 2-3 हफ्ते से मैं ठीक से नहीं सो पा रहा था, बहुत थोड़ी थोड़ी नींद ले रहा था, तो थका थका सा लग रहा था। सो आई डिसाइडेड चलो इस बार बढ़िया से सोते हैं। तो पिछले 3 दिन से मैं बहुत अच्छे से सो रहा था, इस कारण से व्लॉग जो है बहुत लेट शुरू हो रहा है। और आज के व्लॉग में होने वाला है कुछ एक स्पेशल सी चीज़ हमारी एक सब्सक्राइबर है उनके लिए। सो अल्हम्दुलिल्लाह जी, या आपके लिए है जैसे आप मुझे कह रहे थे। सो ये व्लॉग में जो हम करने जा रहे हैं वो आपके लिए है। मम्मी कर रही है उसकी तैयारी। सो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि क्या है वो चीज़ जिसकी मम्मी तैयारी कर रही है। सो इनका कॉन्स्टेंटली मुझे जो है आ रहा था मैसेज कि वो वेट कर रही हैं मेरे जो है इस व्लॉग के लिए, इस रेसिपी के लिए। मम्मी को मैंने बोला था तो आज मम्मी वो रेसिपी बना रही है। नवरात्र में हम लोगों ने नहीं बनाई थी वो रेसिपी, बिकॉज़ हम लोग नवरात्र में जो है पूजा के बाद ही कढ़ाई वगैरह का यूज़ करते हैं, तो इसलिए हम जो है वो रेसिपी नहीं बना पाए थे। सो आज जैसे ऑलरेडी नवरात्र ख़त्म हो चुके हैं तो आज मैं वो रेसिपी के लिए मम्मी को बोल चुका हूँ। मम्मी कर रही तैयारी, तो जल्दी से चलते हैं किचन में, देखते हैं कि क्या है वो रेसिपी और उसे करते हैं रिकॉर्ड। हींग डाल दो, पहले जीरा डाला था। तो पहले डाला है तेल में जीरा और हींग, ये तेल है सरसों का, ठीक है, सरसों। मिर्ची और अदरक का पेस्ट, पूरे लाल नहीं करना, नहीं, मिर्च और अदरक का पेस्ट जा रहा है उसमें। नमक है, स्वाद अनुसार डालना, काला नमक, थोड़ी सी हल्दी, अमचूर, अमचूर, मैंगो पाउडर, चाट मसाला, थोड़ा सा चाट मसाला, थोड़ा सा गरम मसाला, काली मिर्च, और काली मिर्च चाहिए थोड़ी सी, बॉइल्ड आलू को मैश कर रहे हैं यहाँ पे। लाल मिर्च, और अब जाएंगे हमारे मैश्ड पोटैटो। धनिया,
यहाँ पे मसाला जो है हो गया रेडी। अब इसको थोड़ा सा ठंडा करेंगे और उसके बाद पूड़ियों में उसके बाद स्टफिंग करोगे ना, उसके बाद उसको स्टफ करके फ्राई करेंगे। तो अभी ये थोड़ा मसाला ठंडा हो जाए तब तक हम कुछ और काम करते हैं, फिर आगे बढ़ाते हैं इस रेसिपी को। तो इस तरह समोसे भी बन जाएंगे ना। समोसे क्या अलग है, चलो किस दिन समोसे भी बनाना फिर। सो जब तक मम्मी अपने मसाले को करती है ठंडा और वो उनको लगता है थोड़ा सा टाइम उस प्रोसेस को आगे बढ़ाने में और जो वो रेसिपी है उसे पूरा करने में, तब तक हम लोग कुछ और शूट कर लेते हैं यहाँ पर। सो क्या है, मैं बहुत टाइम से ये चीज़ सोच रहा था आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। सो वो ये मेरा पिटारा है, तो ये मेरा एक तरह से कह सकते हैं कि यूट्यूब किट है। और जैसे अभी थोड़े दिन पहले ही हमारा चैनल हुआ है मोनेटाइज्ड, सो वो मोनेटाइजेशन का जो है अब हम फ़ायदा उठाएंगे। और अभी हमने शुरुआत करी है छोटा छोटा, जैसे मैंने एक आध वीडियो में आप लोगों से पहले कहा था कि जैसे जैसे चैनल करेगा ग्रो वैसे वैसे हम लोग बेटर इक्विपमेंट को जो है लेकर आएंगे, बेटर क्वालिटी ऑफ वीडियोस करने की कोशिश करेंगे। सो उसी तरफ मेरा ये छोटा सा कदम है, मैंने कुछ यहाँ पे एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट किया है, खर्चा नहीं कहूँगा इन्वेस्टमेंट है मेरी ऑब्वियसली। सो वो इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड वॉक्स वो रहा, मुझे हमेशा ऐसे दिक्कत होती है ना इसको ऐसे ऐसे सेटल करने में। सो ये बॉक्स है ना, इसमें आई थी वो इन्वेस्टमेंट। सो मैं आपको दिखाता हूँ इन्वेस्टमेंट क्या थी। मैंने आप लोगों को उसका अनबॉक्सिंग का वीडियो तो दिखाया ही था जो मम्मी पापा से अनबॉक्स कराया था, अगर आपने नहीं देखा तो आई बटन में मैं डाल दूंगा। सो ये था केसिन का जो है एक्शन कैमरा, सो इट इज़ एन इंडियन ब्रांड। मेरे पास बहुत ज़्यादा पैसे नहीं थे सो मैं किसी बहुत फेमस से ब्रांड के लिए नहीं गया, और अभी मैं इसके फंक्शंस धीरे धीरे सीख रहा हूँ और जैसे जैसे मैं इसको एक्सप्लोर करता जा रहा हूँ ये बहुत बेहतर रिजल्ट्स मुझे दे रहा है। लेट नाइट में भी बहुत अच्छी शूटिंग करता है, अगर आपने मेरा कल वाला व्लॉग देखा हो जिसमें हम लोग गए थे झंडे वाला, सो पिक्चर क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, आप वो देख सकते हैं व्लॉग, उसको भी मैं डाल दूंगा आई बटन में। आई एम सॉरी मेरा हाथ लग गया सो ये पूरा हिल गया, सो मैं उसे भी डाल दूंगा आई बटन में। और यहाँ पर मैं अपना जो पिटारा है वो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि उस पिटारे में क्या क्या है। सो बेसिकली ये एक बैग मैंने लिया है जिसमें मैंने अपना सारा सामान स्टफ कर लिया है। अभी एक दो चीज़ें और मुझको ऐड करनी है इस सामान में, इस सब में। सो एज एन वन मैं ऐड करता रहूँगा, मैं आप लोगों को दिखाता रहूँगा। तो चलिए हम लोग करते हैं इस वीडियो को आगे और मैं आप लोगों को दिखाता हूँ क्या क्या चीज़ें हैं वो। सो मैं कैमरा एंगल बदलता हूँ और कैमरा एंगल बदल कर आप लोगों को सब चीज़ें दिखाता हूँ। तो चलिए अब जल्दी से हम अपने इस पिटारे को खोल लेते हैं। तो मेरा ये जो पिटारा है अगर इसको खोलते हैं तो इसके अंदर ऑलरेडी एक जो है दूसरा केस निकल करके आता है। सॉरी कैमरा हिल गया, केस को मैंने तेज रख दिया। सो ये एक प्रोफेशनल सा केस है, आप इसको इस तरह से कैरी कर सकते हैं और इसके अंदर बहुत सी एक्सेसरीज और जो है कैमरा खुद भी बैठा है, तो मैं आपको वो दिखाता हूँ। सो बहुत अच्छा लगता है ये मुझे। तो देखिए कुछ इस तरह से है और ये जो ऑरेंज से मास्क में छुप के बैठे हैं जनाब, ये हमारे कैमरा साहब हैं और ये कैमरा है और इसका वज़न आई गेस कुछ 200-300 ग्राम के अराउंड होगा, आई गेस इतना ही होगा, इससे ज़्यादा नहीं है। और ये इसकी एक वाटरप्रूफ सी हाउसिंग है जिसके अंदर ये बैठा है और इसके इस हाउसिंग के साथ हम इसको पानी में भी लेकर के जा सकते हैं अराउंड 120 फीट। सो आई गेस बहुत बहुत गहरा होता है वो, और मैं तो 20 फीट भी नहीं जा सकता, मुझे तैरना नहीं आता है। सो ये हाउसिंग से निकल जाता है और हाउसिंग से निकल करके ये कैमरा कुछ इस तरह से दिखता है और इसके टॉप पर एक बटन है जिसको आप ऑन करते हैं और ये ऑन करने के बाद आपको ये कैमरा जो है ऑन हो जाता है। अगर आप देखें तो ये कैमरा ऑन हो गया बैक में, और मैंने इसको इसलिए प्रेफर किया था क्योंकि इसके फ्रंट में भी एक स्क्रीन है। सो जब आप व्लॉगिंग करते हैं खुद को आप अपने जो है स्क्रीन में देख सकते हैं, तो जैसे अभी आप इस स्क्रीन में इस फ़ोन को देख सकते हैं, क्योंकि आज मुझे आप लोगों को ये कैमरा दिखाना था इसलिए मैं फिर से वापस आ गया हूँ अपने इस फ़ोन पर। और इसकी पिक्चर क्वालिटी मुझे बहुत अच्छी लगी है, मुझे इसके जो फीचर्स थे उसे एक्सप्लोर करने में कुछ टाइम लगा और जैसे मैंने ये फीचर्स एक्सप्लोर कर लिया सो आई रियलाइज्ड कि इट इज़ अ वेरी वेरी गुड डील एंड इट गिव्स यू अ लॉट लॉट मेनी ऑप्शंस इन द प्राइस रेंज इट कम्स।
सो प्राइस रेंज बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर आप कुछ ब्रांड्स के कैमरास देखने जाएं जो थोड़े हाई एंड होते हैं या मिड रेंज होते हैं, सो वो बहुत महंगे हैं, बट मुझे ये उनके मुकाबले बहुत कम रेंज में मिला और मुझे बहुत अच्छा लगा है इसका रिज़ल्ट अभी तक। सो ये कैमरा है। इसके अलावा मुझे इस कैमरा के साथ कुछ माउंट्स मिले थे जो अलग अलग चीज़ें हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे एक ये माउंट है, आप इसको कहीं इधर उधर लगा करके घूम सकते हैं, चाहे अपने हेलमेट में माउंट कर सकते हैं, चाहे अपने चेस्ट बैंड में माउंट कर सकते हैं। सो बहुत सारे ऑप्शन है, अपने बैग के स्ट्रैप पर माउंट कर सकते हैं, तो बहुत बहुत सारे ऑप्शन इसके साथ मिलते हैं आपको, आप यूज़ कर सकते हैं। दूसरी सबसे अच्छी चीज़ मुझे जो लगी वो है ये एक एडिशनल या एक्स्ट्रा बैटरी मुझे मिली है। सो ये एक एक्स्ट्रा बैटरी है 1350 mAh की, और बैटरी बैकअप इज़ टू गुड। इस कैमरा का बैटरी बैकअप बहुत अच्छा है। साथ ये एक वॉच जैसा रिमोट है, सो एक ये वॉच जैसा रिमोट है जिसमें आपके पास वीडियो और फोटोज़ का ऑप्शन है, स्टिल और वीडियोस दोनों ले सकते हैं आप इससे। और मतलब यू डोंट हैव टू कम टू द कैमरा, अगर कैमरा कहीं दूर आपने लगाया है तो आप वहीं से दूर से ऑपरेट कर सकते हैं। इसके साथ अलग अलग स्ट्रैप्स मिलते हैं, एक ये भाई साहब आए हैं इसके साथ, एक छोटा सा ट्राईपॉड है ये इटसेल्फ, और आपका कैमरा इस पर बैठ जाएगा, आप इसको सामने रख देंगे और बात कर सकते हैं। इससे मैंने कुछ एक वीडियोस बनाए हैं, आप लोगों ने देखे हुए हैं वो वीडियोस भी। सो ऑल इन ऑल मैं यूज़ कर रहा था, सिर्फ आज फ़ोन का यूज़ कर रहे हैं बिकॉज़ आप लोगों को ये सब चीज़ें दिखानी थी। ये आप कार के विंड स्क्रीन पर लगा सकते हैं, कैमरा इस पर माउंट कर लेंगे, ये घूमता है, ऊपर नीचे होता है, आप कर सकते हैं बहुत बातें इसको लगा करके गाड़ी चलाते टाइम भी। सो बट डू ड्राइव सेफली, वो बहुत ज़्यादा नहीं, कभी कभी के लिए ठीक है। साथ आता है एक ये क्लिप जैसा है कुछ, बहुत हार्ड है, दो हाथ से दबाना पड़ता है, और इस पे भी देखिए एक माउंट है एंड यू कैन रोटेट इट लाइक 360 डिग्रीज, सो ये पूरा रोटेट हो जाता है, सो आप इसको भी रोटेट कर सकते हैं। अच्छी चीज़ें आई हैं, और ये सारी चीज़ें ना मैंने मतलब कुछ चीज़ें तो इसके साथ आई थी, कुछ मैंने एक अलग से जो है ऑर्डर देके पूरा एक पैकेज मंगाया था, 50 एक्सेसरीज थी उसमें, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर मैं आपको सचमुच सारी चीज़ें दिखाने बैठूंगा तो एक अच्छा लंबा वीडियो खुद इसका बन जाएगा। अगर आप लोगों को चाहिए वो वीडियो तो आप मुझे बता सकते हैं, उनका यूज़ मैं आपको दिखा दूंगा। और बाकी आई एम रियली इन लव विद दिस कैमरा, और अगर आप लोग एक छोटा इन्वेस्टमेंट करके करना चाह रहे हैं, कुछ ऐसा लेना चाह रहे हैं कुछ ऐसा, तो आप डेफिनेटली ले सकते हैं। मैं लगभग 2-3 हफ्ते से इसको यूज़ कर रहा हूँ, आई एम प्रिटी मच हैप्पी अबाउट इट। हाँ, 3 हफ्ते हो गए मुझे इसको यूज़ करते हुए, तो मुझे बढ़िया लगा ये, ऑल इन ऑल बढ़िया लगा ये कैमरा, और आई एम वेरी मच हैप्पी। जो पैसा मैंने खर्चा है उसके अकॉर्डिंगली बहुत बढ़िया चीज़ है ये, बहुत बहुत बढ़िया चीज़ है ये। बहुत सारे माउंट्स आते हैं जिसमें से एक ये माउंट है, इस कैमरा के साथ ही आया था। सो हेयर आप अपना जो है यहाँ पर एक ये ट्राईपॉड भाई साहब जो मैंने लिए थे अलग से, मतलब अलग से एक एक्सेसरीज का पैक लिया था उसमें आए थे। सो ये वो क्या बोलते हैं इसको, स्पाइडर आई गेस, गोरिल्ला पॉड। सो ये गोरिल्ला पॉड भाई साहब इधर लग जाएंगे कुछ इस तरह, आपका कैमरा भाई साहब इधर आ जाएंगे, और यहाँ पर आप लाइट या माइक या कुछ भी बना करके एक बहुत बढ़िया सा व्लॉगिंग सेटअप सा कर सकते हैं, और इस तरह से आप करके व्लॉग कर सकते हैं। ओ हेलो यूट्यूब, कैसे हैं आप? सो ओ हेलो यूट्यूब, कैसे हैं आप? मैंने इस पर कई बार किया है, सो अच्छी चीज़ है। तो ऑल इन ऑल ये सब चीज़ें हैं, और मैं कुछ टाइम से यूज़ कर रहा हूँ, तो आई डेफिनेटली लाइक इट, मुझे अच्छा लगा है, इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, क्योंकि मैं एक जेन्युइन रिव्यू दे रहा हूँ इस चीज़ का। यूज़ करते हुए थोड़ा टाइम हो गया है, और एक्चुअली एक चीज़ रियलाइज़ करी मैंने कि जब आप कोई भी प्रोडक्ट लेते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड गो अहेड एंड चेक ऑल द ऑप्शंस एंड ऑल द फंक्शंस अवेलेबल विद इट, बिकॉज मैंने पहले इसको एक्सप्लोर नहीं किया था, तो मुझे लगा था कि क्वालिटी सही नहीं है, एंड आई वॉज अ लिटिल सैड, बट अच्छी चीज़ है। और इस बैग में और भी कुछ है, इस बैग के अंदर ये मेरी नोटबुक है कंटेंट वाली, जब आप लोग कुछ बताते हैं ना मैं इसमें लिख लेता हूँ, तो फिर यहीं से आइडियाज़ आते हैं। अभी इसमें एक लिखा हुआ है जिसका काम करना अभी बाकी है, एक छोटे से पुराने से भाई साहब ये भी है, तो सॉरी लग गया, एक छोटे से भाई साहब हैं। इस भाई साहब में क्या है, इस भाई साहब में बहुत सारी कुछ चीज़ें और हैं जो कि इस एक्सेसरीज
में ही काउंट होती है। तो ये फ्लोटिंग आई गेस हैंडल बोलते हैं, क्या बोलते हैं। सो व्हाट यू कैन डू, आप इस पे कैमरा लगाएंगे और इसको पानी में छोड़ देंगे। सो ये भाई साहब तैरते रहेंगे और आपका कैमरा आप पानी के नीचे आपके लिए वीडियो बनाता रहेगा। सो ये भाई साहब ये काम करते हैं। और इनके कुछ कजन्स, कुछ रिलेटिव्स, चाचा, मामा, ताया, बहुत सारे इनके अंदर हैं। सो ये सब भी मतलब एक ही परिवार के हैं। इनके सरनेम्स अलग अलग हैं, जैसे चाचा, मामा, ताया, लो नॉट चाचा, मामा, बुआ, वो हैं, इनके सरनेम्स अलग हैं, काम वही करते हैं। तो अलग अलग माउंट्स हैं, तो अगर आप इन माउंट्स को भी चेक करना चाहेंगे तो आई कैन शो यू दैट एज वेल। सो अभी के लिए फिलहाल इतना ही, बिकॉज ये बहुत लंबा हो गया, अभी मैंने देखा बहुत ज़्यादा टाइम हो गया भाई साहब, बोर हो गया आपको। सो अभी इसको यार रोकते हैं और दौड़ के चलते हैं किचन में, देखते हैं कि मम्मी ने कितनी जो है तैयारी कर ली है आगे, और उसको बनाते हैं आगे आगे चल के, क्योंकि भाई साहब बहुत बहुत लंबा हो गया एक्चुअली। बताते बताते मैं वैसे ही कह रहा था कि अगर इसका टोटल एक लंबा वीडियो, मतलब एक डेडिकेटेड वीडियो हम बनाने जाएंगे तो बहुत बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। तो चलिए अभी फॉर द टाइम बीइंग हम यहाँ से उठते हैं, भागते हैं किचन की ओर, देखते हैं कि मम्मी ने अपना जो प्रोसेस है वो थोड़ा आगे बढ़ाया है या नहीं, और मेरे इस पिटारे को रख देते हैं कहीं। एंड आई एम डेफिनेटली इन लव विद दिस। चलिए मिलते हैं किचन में। सो अभी मैं फटाफट से आ गया हूँ किचन में और मम्मी ने यहाँ शुरू कर दिया है वो जो है पूरिया बनाना, स्टफ्ड पूरिया। और जो सब्सक्राइबर है जिन्होंने जो इस रेसिपी के बारे में पूछा था, उनका नाम जैसे मैंने शुरू में बताया था अल्हम्दुलिल्लाह है उनका नाम। सो ये आपके लिए हो रहा है अभी, और जो है मैं फटाफट से इसको रिकॉर्ड करता हूँ और आप लोगों को दिखाता हूँ आगे। क्या आटा है ना ये, तो मैदा तो नहीं है क्या? बोलो बस करो, आता है। आटा है, मैदा नहीं है। स्टफिंग भर रहे हैं इसमें। कचौरी जैसा ही हो जाएगा है ना? अच्छा नहीं, कचौरी तो वो होती है ना खस्ता, अच्छा इसमें हमने वो घी थोड़ी डाला है, अच्छा अच्छा आटा खस्ता थोड़ी खाना, आटा खस्ता होता कचौरी बन जाती। वैसा हो जाएगा जैसे यूपी में पूरिया बनती है ना शादी में, ना समोसे वगैरह बनती है ना। तेल कैसे, मीडियम है कि तेज? मीडियम मतलब आँच तेज है, मीडियम है तेज तेज आँच? अच्छा है, अगर हल्का रखा तो घी पी जाएगी ना अच्छा ज्यादा। तो ये जो है हाई फ्लेम पे बना रहे हैं, क्योंकि अगर हल्की फ्लेम पे बनाएंगे तो पूरी ज़्यादा तेल पी जाएगी मम्मी कह रही। तो ये आपके लिए जो है आलू की पूरियां जैसे आपने बोला था, ये रेसिपी हम लोगों ने यहाँ कर दी है शेयर। और अब इसको आपकी मांग पे हमें खाना भी पड़ेगा, क्योंकि मम्मी ने बोला था कि जब बन रही है तो सब लोग खाएंगे। सो आज की ये पूरियां आपके लिए खाएंगे हम, और जो है आप भी इसे ट्राई कीजिएगा और बताइए कि आपने जो है इसको अगर ट्राई किया तो किस तरह से आप लोगों के लिए बन करके आई। तो मैं भी यहाँ पर जो है निकलता हूँ और आगे करता हूँ आप लोगों से बात, बाकी पूरियाँ वहाँ तली जा रही हैं और मिलता हूँ आप लोगों से कुछ ही देर में इस वीडियो में। तो अभी हम लोगों ने देखा कि हमने तैयार कर लिया है वो आलू की स्टफ्ड पूरियाँ, जिसके लिए आई थी हमारे पास एक डिमांड बहुत दूर से। कितनी दूर से? जर्मनी से। जर्मन नहीं, यूपी से बिलोंग करती हैं हमारी जो सब्सक्राइबर है, लेकिन वो पढ़ रही हैं जर्मनी में, तो उन्होंने करी थी जो है इसकी डिमांड, तो जिसके लिए हमने उनके लिए बनाई है ये पूरियाँ। अब बात करते हैं फन फैक्ट की, तो फन फैक्ट भी जरा जरा रसोई से जुड़ा हुआ ही जो है रख लेते हैं आज के वीडियो में। तो फन फैक्ट क्या है? सो फन फैक्ट ये है कि अगर आप लोग जानते हो तो जो है जितनी भी तली हुई सब्जियां, मतलब तली हुई डिशेस होती हैं, चाहे वो पूरी हो या और तले हुए खाने, उन्हें कहा जाता है पक्की रसोई। तो जो है पक्की रसोई क्यों कहा जाता है उनको? उसको इसलिए कहा जाता है जब आप किसी भी चीज़ को, चाहे वो समोसा है, कचौरी है, पूरी है, किसी भी चीज़ को डीप फ्राई करते हैं और उसको खाते हैं, सो जो उसकी शेल्फ लाइफ होती है वो बढ़ जाती है। यानी कि आप, कैमरा ज़्यादा शेक हो रहा है,
यानी कि आप जो है कोई भी डीप फ्राइड जो फूड है उसको लंबे टाइम तक अपने साथ जो है कैरी कर सकते हैं। और इसको इसलिए ऐसा कहा जाता था कि जब पुराने टाइम में जो भी बिजनेसमैन होते थे, व्यापारी होते थे, जब वो अपने व्यापार से जुड़े दौरों पर दूर दूर तक जाते थे, तो वो अपने साथ इसी तरह का पक्की रसोई का खाना कैरी करते थे, यानी कि डीप फ्राइड तला हुआ खाना जो है कैरी करते थे, जिससे कि पूरे सफ़र में उनको वो जो खाना है उनका साथ दे और वो खाना ख़राब ना हो, तो इसलिए इसे कहा जाता है पक्की रसोई। तो आपको ये पक्की रसोई से जुड़ा हुआ फन फैक्ट कैसा लगा वो भी बता सकते हैं, आपको रेसिपी कैसी लगी वो तो डेफिनेटली आप लोग बताइएगा, हम करेंगे आपकी वेट। बाकी अगर वीडियो आपको आया पसंद तो आप जानते हैं कि आपको हमें देना है थम्स अप, सब्सक्राइब कर सकते हैं आप। मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक बाय बाय, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, ज़बरदस्त रहें।